कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता और हर बार की तरह हम सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा की बीपीएल महिलाओं को 90% अनुदान पर दिया जाएगा दुधारू गाय। चतरा जिला के श्रेष्ठ पशुपालकों को पुरस्कृत करने की है योजना। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 688। अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिले के रमना विशनपुर डंडई धुरकी और सगमा प्रखंड के 200 बीपीएल महिलाओं को 90% अनुदान पर दुधारू गाय देने की योजना है। इसके लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा इन प्रखंडों के अनुशंसित गांवों से ग्राम सभा से चयनित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए 2 फरवरी 2018 तक जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। चतरा जिला में पशुपालक पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इसमें सूकर पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन करने वाले श्रेष्ठ पशुपालकों का चयन किया जाएगा। तीनों वर्गों के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। चतरा जिला के पशुपालक इस योजना से लाभ लेने के लिए 5 फरवरी तक जिला पशुपालन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के जो किसान भिंडी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं, वे अंतिम जुताई के समय खेत में सड़ी हुई गोबर खाद डालें। बुआई से पहले कैप्टन, थीरम या वेबस्टीन दवा से बीजोपचार जरूर करें। साथ ही बुआई में कतारों और बीजों के बीच अनुशंसित दूरी रखें। गर्मा भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए खेत की तैयारी में अंतिम जुताई के समय खेत में 200 से 300 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बीजोपचार में 3 ग्राम वेबस्टीन दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से व्यवहार करें। किसान भाइयों, आप भिंडी की गर्मा फसल लेने जा रहे हैं तो इसके लिए आप बीज का उपचार करें कप्तान, थीरम या वेबस्टीन से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से। खेत की तैयारी में आप 200 से 250 क्विंटल गोबर खाद देना सुनिश्चित करें अंतिम जुताई के समय, और बीज का उपचार जरूर करें। लाइन से लाइन की दूरी और कतार से पौधे की दूरी मेंटेन रखें। इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर होगी। दलहनी फसल मूंग की ग्रीष्मकालीन खेती भी की जाती है। झारखंड के जो किसान मूंग की गर्मा खेती करना चाहते हैं, वे 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक बुआई कर सकते हैं। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद SML 688 लगाएं। गर्मा मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेद के चयन के बारे में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। मूंग के लिए जो प्रभेद है वो SML 688, ये बहुत उपयुक्त प्रभेद है और लगाने का समय मध्य फरवरी से लेकर के मध्य मार्च है। किसान भाई, सब्जी के बिचड़े या नर्सरी में लगे पौधों पर दवा का छिड़काव करने के लिए मिनी स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 लीटर तक तरल घोल डाला जा सकता है। इसे 8 से 10 बार पंप कर देने से प्रेशर तैयार हो जाता है और एक बटन को दबाने से अपने आप घोल का छिड़काव होने लगता है। आइए जानते हैं बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनीस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से खेत में डालें। ऐसा 7-7 दिन के अंतराल पर 4 से 5 बार करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर धनबाद सिमडेगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1425 रुपए से 1619 रुपए, बैगन 3265 रुपए से 3700 रुपए, महुआ 2100 रुपए से 3800 रुपए, गोभी 2970 रुपए से 3500 रुपए, मिर्च 6500 रुपए से 8500 रुपए, चावल मोटा 2200 रुपए से 2600 रुपए, चावल मध्यम 2650 रुपए से 3000 रुपए, चावल उत्तम 3900 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2100 रुपए से 2400 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 5500 रुपए से 5900 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10700 रुपए, चीनी 4150 रुपए से 4300 रुपए, आलू 600 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 3500 रुपए से 3900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। और हम बातें करेंगे आलू में लगने वाले रोग व पाला से बचाव। जी हाँ, इसके बारे में हम विस्तार से आपको जानकारी दिलाएंगे और सीधा लिए चलेंगे अपने विशेषज्ञ के पास। आलू साल भर उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। आलू का लगभग सभी परिवारों में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह कम समय में पैदा होने वाली फसल है। ठंड के मौसम में तापमान कम होने के साथ ही जैसे ही ठंड बढ़ती है और तापमान 10 डिग्री से कम होने लगता है, वैसे ही पाला का प्रकोप शुरू हो जाता है। पाला रोग में आलू की पत्तियां सूख जाती हैं और तना में झुलसा रोग जैसा लक्षण दिखाई देने लगता है। कि आजकल जो है जिस ढंग का सर्दी पड़ रही है, जिसके कारण से हमारी जो फसलें हैं उसमें जो है ठंड के कारण से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसमें से मुख्य जो बीमारी होती है जिसको कि हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में पाला बोलते हैं। ये पाला है क्या? किसान भाइयों को सदियों से जान रहा है कि पाला, जबकि ये बीमारी है एक तरह का, जिसको कि हम लोग जो है लेट ब्लाइट बोलते हैं। इस बीमारी में होता है क्या है, आप देखोगे कि जैसा ही जो है मौसम थोड़ा सा सर्द रहे, पत्तियों के ऊपर ओस पड़ी हुई हो, तो ऐसे कंडीशंस में आलू में टमाटर में ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आलू और टमाटर एक ही परिवार का सदस्य है और दोनों में जो है पाला की शिकायत जो है दिखाई देती है। और ज़्यादातर किसानों के द्वारा भी बताया जाता है कि हमारी फसल पाले के कारण से बर्बाद हो गई। लेकिन ये देखेंगे कि इसमें जो रोग के लक्षण आते हैं कैसे आते हैं। शुरू के दिनों में आप देखेंगे कि जब जैसे ही पाला का असर आएगा तो ऊपर की पत्तियाँ जो मुलायम होंगी, टेंड्रिल होंगी, टेंडर होंगी, उनकी पत्तियां जो है झुलस जाती हैं और उसके तने के ऊपर भी यदि आप देखेंगे तो भूरे रंग का जो है ब्लाइटनिंग सिम्टम दिखाई देता है, जो कि एक जैसे लगेगा कि झुलसा टाइप का जो है तना भी हो गया और उसके साथ जो भी फल लगे होंगे वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो ये जो है मुख्य इसके लक्षण होते हैं। किसान अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए फसल में सिंचाई के साथ साथ खेत की मेड़ों पर पड़े कचरे को जलाकर धुआं करे। फसल पर बहुत ही कम मात्रा में 0.1% गंधक के तेजाब का घोल का छिड़काव करें, जिससे पाला रोग से फसल का बचाव हो सके। जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि हम जो है खेत में पाला से बचाव के लिए ये सदियों से हमारा प्रयास रहा है और किसानों का भी प्रयास रहता है कि पाले से बचाने के लिए खेत में सिंचाई करना, ये बहुत ही अच्छी तकनीकी है। और इसमें जो है यदि आप खेत में पानी पटाते हैं तो पानी के कारण से आसपास का जो वातावरण होता है, टेम्परेचर होता है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो ठंड का प्रकोप होता है उसका प्रभाव कम पड़ता है और ये जो बीमारी होती है लेट ब्लाइट या जिसको कि पाला बोलते हैं, ये लो टेम्परेचर पे तेजी से फैलता है। शुरुआत में एक या दो पौधे में पाला रोग के लक्षण दिखाई देते हैं,
जैसे ही इस रोग को अनुकूल वातावरण मिलेगा पूरे फसल में फैल जाता है। अतः इस समय कृषकों को सतर्क रहकर फसलों के सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। ये जो बीमारी होती है शुरू के दिनों में कोई भी बीमारी आप देखेंगे एक पौधे दो पौधे में आती है और यदि आप ध्यान न दें तो पूरे के पूरे खेत में फैल जाती है। और ये जो बीमारी होती है पाला आप देखेंगे कि एक से दो दिन में पूरी की पूरी फसल जो आपकी नष्ट हो जाती है। और इसमें जो आप देखेंगे कि शुरू के दिनों में एक का दुक्का पौधे में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ही जो है उसको फेवरेबल यानी जो है अनुकूल वातावरण मिलेगा, पौधे की पत्तियों पे ओस की बूंदें पड़ी होंगी, वातावरण में नमी युक्त होगा, साथ ही साथ जो है तापमान कम होगा, आसमान में बादल छाए रहे होंगे, तो ऐसे कंडीशंस में बीमारी आने के आसार बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक पौधे में यदि रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तुरंत जो है बचाव के लिए दवा का छिड़काव करना जरूरी है। साधारणतः पाला गिरने का अनुमान इनके वातावरण से लगाया जा सकता है। रोग लगने के बाद उपचार करने से अच्छा है कि रोग ही न लगे, इसका उपाय सही से किया जाए। उपचार से बचाव अच्छा, यानी अपनी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए कुछ जो है बचाव के तरीके अपनाए गए हैं, बताए गए हैं किसानों को कि आप जो है बचाव के तरीकों को यदि अपनाएं तो आपके खेत में आने वाले दिनों में कोई बीमारी नहीं आएगी। जैसे कहा जाता है कि डायथनम 45 का छिड़काव आपका जो है जब पौधा आलू के पौधे 24 से 28 दिन का हो तो एक छिड़काव आपको करना है। क्यों करना है, इसके पीछे वही उद्देश्य है कि ये जो डायथनम 45 है इसमें मैंकोजेब होता है, ये जो है कंटैक्ट फंजीसाइड होता है, ये जो है पत्तियों के ऊपर एक लेयर के रूप में चिपकी हुई रहती है और जैसे ही रोग का कारक पत्तियों के ऊपर आएगा तो वहाँ पर दवा पहले से उपलब्ध है तो आपका पौधा बीमारी लगने से बच जाएगा। और दूसरा यदि डायथनम 45 नहीं है तो आप जो है कापर सल्फेट ले सकते हैं, कापर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से बाजार में उपलब्ध है, COC बहुत ही कॉमन वर्ड है, तो ब्लू कापर के नाम से है, ब्लाइटेक्स 50 के नाम से है, कापर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से ये दवा उपलब्ध है, इसको ले लीजिए। 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में बीमारी आपके खेत में हो या ना हो उससे कोई आपको सोचना नहीं है। 28 से 35 दिन में एक छिड़काव कर दीजिए, दूसरा 45 से 55 दिन पे कर दीजिए, आपके आलू की फसल में पत्तियों पे जो अगेती झुलसा पिछेती झुलसा आती है इससे अपने पौधे को बचा सकते हैं। जब आलू के पौधे 24 से 28 दिन का हो तो डायथनम 45 का छिड़काव करें, क्योंकि इसमें मैंकोजेब होता है जो कि आलू के पत्तियों के ऊपर एक परत के रूप में चिपक जाता है। जैसे ही रोग का कारक इसके संपर्क में आता है वह नष्ट हो जाता है और आलू में रोग नहीं फैलता। अगर यह दवा उपलब्ध नहीं है तो कॉपर सल्फेट जिसे COC भी कहते हैं नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम आलू में अर्दिंग करते हैं मिट्टी चढ़ाते हैं ना, तो आप जो है अच्छे से मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं जिसके कारण से आलू जो है ऊपर यदि जो पड़ जाए तो वो जो सूर्य के प्रकाश में जैसे ही आता है तो वो जो है एक सोलेनिन पिगमेंट बनाता है। आलू जो है सोलेनम फैमिली सोलेनेसी फैमिली का है, तो इसमें एक पिगमेंट बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जिसको कि सोलेनिन बोलते हैं, तो वो जो है सूर्य के प्रकाश में आने पे ही बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आलू चढ़ाएं, आलू की मेड़े चढ़ाएं, तो उसको अच्छे से चढ़ाएं जिससे कि जो आलू पड़े वो जो है सूर्य के प्रकाश में ना आए, जिससे हरापन नहीं होगा। तो ये जो आदि आप करते हो तो आलू में हरापन नहीं आएगा। और रही बात जैसे मान लीजिए आपके खेत में बीमारी आ गई, अब हम क्या करें, तो जब बीमारी आ जाती है तो उस समय भी दवा का छिड़काव करना है, इमीडिएट करना है। तो जैसे कुछ दवाएं होती हैं जो कि मिक्सचर के रूप में मिलती हैं, जैसे मेटालैक्सिल है, इसको जो है आप ले सकते हो, या साफ है या कंपेनियन है, इसे मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों दवाओं का मिक्सचर होता है, इसको आप ले करके खेत में छिड़काव करें तो जो बीमारी आई हुई है तुरंत रुक जाएगी और उसका फैलाव भी नहीं होगा। अक्सर यह देखा जाता है कि आलू के फसल में कुछ आलू हरे रंग के हो जाते हैं जिसका सही बाजार मूल्य नहीं मिल पाता। आलू का रंग हरा होना कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, बल्कि आलू के मेड़ में कम मिट्टी चढ़ाने के कारण जो आलू मिट्टी से बाहर हो जाता है वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर सोलेनियम पिगमेंट बनाता है और आलू का रंग हरा हो जाता है। इसलिए अगर मेड़ में सही मिट्टी चढ़ाया जाए तो रंग हरा होने से बचाया जा सकता है। बीमारी अगर आ गई है तो तुरंत मेटालैक्सिल, साफ या कंपेनियन जैसे दवा जिनमें मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों दवाओं का मिश्रण होता है का छिड़काव करने से बीमारी से बचाव हो जाएगा।
और अब हम बात करेंगे धान की। जी हाँ, गर्मा धान की वैज्ञानिक विधि, इसके बारे में बताएंगे आपको बहुत ही विस्तार से अपने विशेषज्ञ के साथ। वर्तमान समय में सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने के कारण अब किसान आसानी से गर्मा धान की खेती कर सकते हैं। अगर गर्मा के रोपनी की तकनीकी जानकारी हो तो ना सिर्फ फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। गर्मा धान की खेती के लिए वैसे खेतों का चुनाव आवश्यक है जिसमें पानी हो तथा वैसे किस्मों का चुनाव भी आवश्यक है जो कम पानी में भी अच्छी उपज दें। गर्मा धान के लिए निचली खेत जो है वो उपयुक्त होती है जहाँ थोड़ा पानी हो। खेत की तैयारी इस प्रकार करें कि गर्मा धान को भी नर्सरी में पौध उगाकर और फिर प्रतिरोपण करके ही खेती किया जाता है। तो पौध उगाने के लिए जो नर्सरी तैयार की जाएगी उसमें भी कदवा किया जाता है, कादो किया जाता है। तो ऐसी जगह चुनें जिसमें पानी हो और कादो किया जा सके और जल संग्रह आगे तक भी बनी रहे। गर्मी के समय में की जाने वाली धान की खेती के लिए वैसे खेतों का चुनाव करें जो निचली हो, जिनमें पानी हो और कादो की जा सके तथा आगे भी जल संग्रह बनी रहे। फिर बीज के लिए प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम की दर से बीज लेकर उसे गुनगुना पानी में डुबाकर 24 घंटे रखते हैं। फिर उसके बाद उस धान बीज को एक जगह जमा कर जूट के बोड़े से ढक देते हैं और समय समय पर बोड़े के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। जब कुछ दिन बाद उसमें अंकुरण आ जाता है तो उसे ले जाकर जहाँ नर्सरी के लिए खेत तैयार की गई है उसमें बो देते हैं। नर्सरी 20 से 25 दिन बाद तैयार हो जाने पर मुख्य खेत में ले जाकर रोप दिया जाता है। ये है कि प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम की दर से बीज लेकर उसको गुनगुना पानी में, सिरगर्म पानी में डुबा कर रखते हैं और 24 घंटे तक पानी में डुबा कर रखने के बाद बीज को निकाल कर एक जगह पर ढेर बना कर रख देते हैं और उसको जूट के बोरे से ढक देते हैं। जो भीगा हुआ हो उसको भिगाते रहना चाहिए और आप 48 घंटे तक इसको रखने के बाद देखेंगे कि धान के बीजों में अंकुरण आ गया है। तो जो नर्सरी आपने तैयार की है कदवा करके, उस नर्सरी में वो एक हेक्टेयर के लिए करीब करीब 5-20 डिसमल आपको नर्सरी की ज़रूरत पड़ेगी, 20 से 25 डिसमल। और उसमें वो जो धान का अंकुरण आपने किया धान बीज का, उसको फेंक कर डाल देंगे उस कदवा की हुई नर्सरी में। और नर्सरी जो है 20 से 25 दिन में प्रतिरोपण के लिए तैयार हो जाती है। मुख्य खेत की अच्छी तैयारी के लिए खेत में गोबर खाद तथा नीम की खली अवश्य डालें। धान फसल लगाने से पहले उसके बीज को सेरेसन या एग्रोसन नामक दवा के घोल से उपचारित करने से फफूंद और बैक्टीरिया जनित रोगों से बचाव हो जाता है। भाई उसको मुख्य खेत में ले जाएंगे तो जिस खेत में प्रतिरोपण करना है उस खेत को भी किसान भाई कदवा करके तैयार रखेंगे और उसमें खाद और उर्वरक जो डालना है तो 5 टन कंपोस्ट या फार्मयार्ड मैन्योर जिसको आप कहते हैं, गोबर की खाद सड़ी हुई अच्छी प्रकार से, वो 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे और 5 क्विंटल नीम की खली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालेंगे, अच्छी प्रकार मिलाएंगे और खेत को बराबर करके समतल करके तब उसमें बिचड़े का प्रतिरोपण। गर्मा धान का बिचड़ा तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है 20 जनवरी के बाद और अगर मध्य फरवरी में इसे मुख्य खेत में रोपा जाए तो फसल सही समय पर और अच्छी होती। कि आप इसमें धान में सेरेसान या एग्रोसान नाम की दवाई होती है जिसका घोल बना लिया जाता है और धान के बीज को उस घोल में डुबाकर 20 मिनट 25 मिनट रखने के बाद निकाल लेते हैं। इस ये धान के बीज का बीजोपचार हो गया और इससे कई फफूंद और बैक्टीरिया की जनित बीमारियां होती हैं जिनसे फसल की रक्षा हो जाती है। इस समय जो धान की खेती की जाती है उसके लिए वैसे किस्मों का चुनाव किया जाता है जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। इसके लिए उपयुक्त प्रभेदों में बिरसा विकास धान 110, IR 36, IR 64, प्रभात ललाट आदि किस्में हैं। इसके लिए बिरसा विकास धान 110 और IR 36, IR 64, प्रभात ललाट आदि जो किस्में हैं वो गर्मा धान की खेती के लिए उपयुक्त हैं।
कि यह धान गर्मी के मौसम में की जाती है, इसलिए समुचित सिंचाई व्यवस्था बेहद जरूरी है। अगर खेत में पानी है तो ठीक है, अन्यथा सप्ताह में एक बार पटवन करना आवश्यक हो जाता है। खासकर जब फसल में दाना भर रहा है तो जल की कमी नहीं होनी चाहिए। इस समय ही एक ख्याल रखना चाहिए कि खेत में पानी की कमी ना हो, तो फिर भी बाद में आगे चलकर अगर उस खेत में पानी नहीं आ रहा है, जल संग्रह नहीं हो पा रहा है, तो प्रति सप्ताह हम लोगों को देख लेना है कि उसमें पानी पर्याप्त है, और अगर पानी नहीं है तो हर सप्ताह में एक बार उसमें पानी डालना चाहिए। और खासकर दाना भरते समय तो फसल को किसी भी प्रकार से जल की कमी नहीं होनी। धान का खेत तैयार करते समय खेत में 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 5 क्विंटल नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर के दर से मिलाना है। इसके अलावा 250 किलो यूरिया, 225 सिंगल सुपर फास्फेट और 100 किलो पोटास रासायनिक खाद प्रति हेक्टेयर के दर से मिलाएं तो पैदावार अच्छी होगी। ये तो डालना है, इसके अलावा आप प्रति हेक्टेयर 250 किलो यूरिया और करीब के 225 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास नाम का खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। ध्यान रहे, कंपोस्ट खाद खेत तैयार करने से 15 दिन पहले डालें ताकि वो खेत में आसानी से मिल जाए। रासायनिक खाद 3 खुराक में डालें, समुचित सिंचाई की समुचित व्यवस्था करें एवं खरपतवार नियंत्रण का भी व्यवस्था करें। एक बार तो इरिगेशन सिंचाई जरूर दें। तीसरी बात है कि जो यूरिया हम डाल रहे हैं इसको 3 डोज में डालना चाहिए, 3 खुराक में। तो 1/3 जो है खेत तैयार करते वक्त ही यूरिया डाल दिया जाता है, 1/3 यूरिया को प्रतिरोपण के 3 सप्ताह के बाद खेत में डाला जाता है उपरिवेशन करके छीट कर, और 1/3 जो बच गया इसको 6ठे सप्ताह में प्रतिरोपण के 6 सप्ताह के बाद खेत में ऊपर से छीट कर डाला जाता है। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखकर कृषि की जाए तो अच्छी उपज होगी। देखा ना किसान भाई बहनों, वैज्ञानिक विधि से हम गर्मा धान की कैसे खेती करें और हमारी उपज में कैसे बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में हमने जानकारियां ली है। यूं ही हर अंक में हम नई नई जानकारी के साथ आपके पास आते रहेंगे और आपसे यूं ही बातें करते रहेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो आप हमें विदा दीजिए, लेकिन फटाफट हमारा ये पता नोट कीजिए ताकि कृषि से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो, समाधान हो या कोई उपाय हो तो आप हमें लिखें और हम आपकी इस खत को पढ़ के आपके साथ यूं ही बातें करें, उसका समाधान निकालें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र कातु रोड, पिन संख्या 834001। तो मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, अब आप मुझे और हमारी पूरी दूरदर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।